भाई इतना काम डन हो चुका है, ये वाला पार्ट पूरा रैप हो गया और अब अच्छी लग रही है। पता है आगे से ब्लैक हो के ना भाई, इस लड़के को देखो स्कूटी उछाल रहा है भाई, खूब भैंस की आंख। थिएटर दे ले भाई, इसकी बाइक पर नंबर प्लेट ही नहीं होती और भाई पुलिस वालों ने देखा तक नहीं भाई साहब। सब गाइस कैसे हो आप सब लोग भाई, गुड मॉर्निंग। 11 बज रहे हैं अभी फिलहाल, आज अपने को दो तीन काम है। हाँ उससे पहले सॉरी, व्लॉग थोड़ा लेट आया है, ये लोगों को पता है, तो हम वैसे भी मनाली जा रहे हैं, तो मेरा मन है मनाली जाके ही सेक्सी सा व्लॉग दूं आप लोगों को, इसलिए मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ थोड़ी व्लॉग्स की आप लोगों के लिए मनाली के, ताकि बेहतर से बेहतर वीडियो आए आप लोगों के पास। फिलहाल मैं जा रहा हूँ KTM के शोरूम, वहाँ पे मेरे को एक्चुअली इसका इंजन ऑयल चेक करवाना है, अगर कम है तो टॉप अप करवा देंगे और अगर ठीक है तो वेल गुड, क्योंकि भाई अभी शिमला से आए हैं और शिमला वाला व्लॉग देख लेना, 3-4 व्लॉग स्क्रॉल करोगे, शिमला के ही 2 व्लॉग्स हैं, 1 पार्ट 1 पार्ट 2, जिसमें हम लोग गए थे नारकंडा शिमला से और दिल्ली टू शिमला, मजा आ जाएगा देख के आप लोगों को। जनरल चेक करवाते हैं इसका, टॉप अप करवाते हैं। हमारे यहाँ पे देख रहे हो भाई, कल राहुल गांधी आया था, देख रहे हो कितनी सजावट कर रखी है। आज हम लोगों को करवाना है नवीन की R15 V3 में ब्लैक मैट कलर का रैप और भाई बहुत डिसेंट लगने वाली है उसकी बाइक, मजा आ जाएगा। मजाक से हटके कुछ सोचा है, हम ग्लॉसी सोच रहे थे बट फिर यार ग्लॉसी ना बहुत थोड़ा छपरी टाइप फील देती है, एक मैट कलर होता है ना वो प्रीमियम थोड़ा, समझ रहे हो ना, तो बस फिलहाल वही करवाने के लिए जा रहे हैं। ये रहा बजाज का शोरूम भाई, टीना का, हमारी छोटी बच्ची का और बड़ी बच्ची का आ गया, चलते हैं फटाफट, पहुंचने ही वाले हैं बस। ओ भाई आज तो पूरा खाली पड़ा है। भैया एक बार ना मेरी बाइक का इंजन ऑयल देख लो, मनाली जाना है, शिमला से होके आ चुकी है तो पूरा है कि नहीं है, अगर नहीं है तो टॉप अप करवा दो। सर्विस के बाद ये अभी इसकी 3100 कुछ सर्विस बची है। तू भी ऐसे स्पाइडरमैन का वो बनवा लियो है और पीछे पीछे कपड़ा लगवा दियो एक बाइक पे। इसने ना मेरी ड्यूक का टायर डाला है आगे वाला, मैंने मेटजेलर करवाया था ना, तो इसने मेरा MRF लगवा लिया क्योंकि वो ठीक ठाक था, तो ये कह रहा है कि थोड़ी ना बाइक रपट रही है, तो चलते हैं जरा इसकी बाइक को चला के देखते हैं। R15 का भी मजा है ब्रो, सही तो है, सही है। एक नंबर टायर ऊपर डलवाते हैं ना, तो मेरे को भी फील हुआ था पहले, वो थोड़ा सा टायर हैवी हो जाता है। फिर पुलिस वालों को देखा जाए पहले, के पास हेलमेट नहीं है और पकड़े गए तो हाँ टाइम वेस्ट होगा अपना। नवीन पीछे ही है, बच गया नवीन। भाई आप लोगों को एक मस्त चीज बताता हूँ भाई, पुलिस वाले के सामने से आपने देखा मैंने कैसे निकाली, ठीक है, रोक के आराम से पीछे देख के, और वो मुझे देख भी रहा था। इसकी बाइक पे तो नंबर प्लेट ही नहीं होती और भाई पुलिस वालों ने देखा तक नहीं भाई साहब, क्या ही बात है भाई। वहां मैं नवीन को रोक रहा हूँ कि भाई पुलिस वाले मत आई हो, बचना तो मुझे चाहिए था। जी आराम से, एक तो R15 में लिमिटर है ही नहीं, खींचते जाओ इसको, खींचते जाओ भाई, इंजन गड़ गड़ करता रहेगा लेकिन चलेगी, देख रहे हो चौथे गियर में लिमिटर आएगा ही नहीं। ओ भाई 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 भाई, बड़ा ही अजीब आदमी है यार। इंडिकेटर दे ले भाई, इंडिकेटर दे ले, इंडिकेटर नहीं दे रहा, ऐसे मोड़ दी पूरी बाइक यार। मैं ना तेरे को ऐसे ऐसे कर रहा हूँ पीछे से, तेरे पे हेलमेट नहीं है, और भाई मैं पुलिस वाले के सामने ना आराम आराम से यहाँ खड़े, मैं तेरे को देख रहा हूँ, नवीन तो नहीं आ रहा, नवीन तो नहीं आ रहा, मैंने भाई क्रॉस कर दिया उन्हें, वो मेरे को देख रहे हैं, बाद में ध्यान आया अभी तो नंबर प्लेट ही नहीं है देखा भी नहीं भाई उन्होंने। अभी जा रहे हैं R15 को वॉश करवाने, इसके बाद इस पे देंगे, और भाई बंदे ने रेट क्या बोला है, 1500 है ना, 1500 रुपये बोले इसमें, और कह रहे हैं कि 1400-1450 रुपये में R15 रैप कर देगा पूरी, तो और क्या चाहिए, ठीक ही है। आने का तो कुछ नहीं है मेरे पास, हो गया ब्रो तेरा रैप स्टार्ट, देखते हैं भाई कैसी लगती है भाई। भाई भैया कर रहे हैं भरोसा, इन पे 3-4 बाइकें करी हुई है इन्होंने, मेरी वाली भी इन्होंने ही करी थी वैसे,
जो वो रखा है ना वाइट वाइट सा, तो कनिष्क की भी इन्होंने ही करी है, तो देखते हैं भाई कैसी करते हैं। भाई इतना काम डन हो चुका है, ये वाला पार्ट पूरा रैप हो गया और अभी यहाँ का काम चालू है, पर होने दो, बहुत सही लग रही है। इधर भी रैप करवाएंगे, हो सके लाइटों पे भी करवा देंगे। लाइटों पे नहीं करवा रहे हैं ना, लाइटों पे नहीं, लाइटों पे सिर्फ इतना एरिया। और भाई ये भी हटा ले नवीन, ये ओरिजिनल वाले लगा ले, ये ओरिजिनल लगाऊंगा, बहुत सेक्सी लगने वाली है भाई अपनी बाइक। देख रहे होगा इसके लग रही है यार इस साइड से, एक साइड का रैप अपना कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा बहुत रह गया, अभी ये भी पूरा रैप होगा और उस साइड का भी रैप होगा, एक बार होने दो भाई, बहुत डिसेंट लग रही है अपनी बाइक। नवीन चले होगी रैप, बढ़िया लग रही है। फाइनली नवीन की बाइक करवा दी रैप और अभी एक मस्त जगह पे जा रहे हैं, वहाँ पे आप लोगों को आराम से दिखाएंगे ये प्यारी सी बाइक। और इसने अपने यूट्यूब चैनल का नाम भी लिखवा लिया है, मैं भी सोच रहा हूँ लिखवाने की बट समझ नहीं आ रहा लिखवाऊं का, मेरे को यहाँ पसंद नहीं है इतना। मतलब फिलहाल हम लोग जा रहे हैं अपने फरीदाबाद में, एक जगह है परसोन करके, और इतनी प्यारी सड़क है ना वहाँ पे रील्स बनाएंगे बढ़िया बढ़िया, इंस्टा पे जो आएंगी फॉलो कर लेना। ये रही हमारी KTM प्यारी सी, और ये रही भाई नवीन की बाइक, और क्या लग रही है इस टाइम पे, बट गंदी हो गई है अभी थोड़ी क्योंकि वहाँ मिट्टी में खड़ी रही बहुत देर, पहले से बहुत डिफरेंट है। लोंडे का यूट्यूब चैनल, शॉर्ट्स डालता है अभी ये, देखते रहो मजा आता है इसके शॉर्ट्स में, और अब अच्छी लग रही है पता है आगे से ब्लैक होके ना। अभी भाई हम लोगों ने ये सोचा है कि इस पे गोल्डन रैप करवाएंगे और इसके शोकर पे भी गोल्डन रैप होगा, अभी नहीं थोड़े टाइम रुक के, और इधर भी देखते हैं कुछ करवाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से हवा निकलती है, ये बंद करवा देते तो दिक्कत हो जाती। बस इसकी R15 का टायर बहुत बढ़िया लगता है यार, पीछे से कुछ भी कहो लुक बहुत प्यारा आता है बाइक का विदाउट नंबर प्लेट, अगर नंबर प्लेट लगा ले तो मजा ही नहीं आएगा, पर ठीक है भाई वो भी बहुत जरूरी चीज है यार। बाइक ये देखो भाई क्या गदर लग रही है खड़ी हुई अपनी, बच्चे देखो भाई सारे अभी यही झुंड लगा के खड़े हो गए थे रील बनाते बनाते। ओए छोटे बाइक कौन सी अच्छी लग रही है? ब्लैक, पैसा फूका लोंडे ने। चलो आप लोगों को दिखाते हैं ये प्यारी सी जगह कुछ ऑफ रोड करते हुए। भाई कितना प्यारा था यार, बट यहाँ पे ना टायर पंचर होने का थोड़ा चांस है, बट आप लोगों के लिए यार इतना नहीं करेंगे तो फिर क्या ही फायदा। क्यों भाई ऊपर चढ़ते हैं भाई साहब? ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ फुल मजा भाई, फुल मजा बांध दिया। देखो यहाँ से जाता है परसोन मंदिर का रास्ता, अभी तो हम फिलहाल यहाँ जा नहीं रहे, बट भाई यहाँ से पूरी सड़क जा रही है अंदर, पूरा आगे मंदिर ही मंदिर है। और आप लोगों को पता है जहाँ हनुमान जी, मतलब जहाँ पे हनुमान जी रुके थे ना एक बार, वो वाले एरिया भी है यहाँ पे, उनके मतलब पैरों के निशान है अभी भाई। ये सड़क देखो कितनी प्यारी लग रही है यार, मेरा तो मन है शांति से थोड़ी देर बैठूं। ओ भाई स्कूटी उछाल रहा है लड़का आगे वाला। कुत्ता 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 कुत्ता। नवीन पिटबुल है, अगर पकड़ लिया ना छोड़ेगा नहीं। अरे मैं रुक गया मारा है, उछाल लियो दोस्त। भाई इस लड़के को देखो स्कूटी उछाल रहा है भाई, फुल कितनी लंबी लंबी लेके जा रहा है। और ओ भैंस की आंख, भाई ठोकेगा क्या? ओ भाई 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 तेरा मुंह देखने वाला होता है। जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा वो सरप्राइज व्लॉग आने वाला है, बहुत प्यारा, अगर पॉसिबल रहा तो। ठीक है, तो जिस जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा कर लेना, बहुत प्यारा व्लॉग आने वाला है। एक अपना भाई है यूट्यूबर, सही बताऊं तो इसको देख के ही मतलब मैं इंस्पायर हुआ था, और उसी से मैं मिलने जा रहा हूं मीटअप पे, तो वो मैं बताऊंगा नहीं अभी कौन सा है, बट है भाई। तो ठीक है, तो अब जो व्लॉग आएगा वो बहुत डिसेंट आएगा, तो जाके भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और उसके बाद सीधा मनाली निकलने वाले हैं, तो जिसको मनाली के प्यारे प्यारे व्लॉग्स देखने हैं वो प्लीज़ देखना। तो चल नवीन, ठीक है? चलो ठीक है गाइस, इस वाले व्लॉग को भी एंड करते हैं और मैं भी यहाँ से निकलता हूँ फटाफट। बाय गाइस।